नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक लवर्स के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद है कि मैंने अपने पिछले आज संदीप के एपिसोड में कहा था कि अगर किसी प्रोडक्ट में मुझको वैल्यू नजर आती है आप लोगों के लिए, तो मैं उनको अप्रोच करता हूँ कि यार मैं आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ, आपके प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहता हूँ, फ्री में करूंगा, कोई पैसे नहीं चार्ज करूंगा और आप मुझे अपना प्रोडक्ट भेजो। तो ऐसा अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है कि मुझे कोई प्रोडक्ट इतना पसंद आया कि मैंने उनसे ईमेल में लिखा और ये रही ईमेल और उनका आंसर है पॉजिटिव इसके लिए और बहुत जल्दी मेरे पास फिंग बॉक्स आ जाएगा। तो कल शाम को मेरे पास फिंग बॉक्स पहुंच गया है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये डिवाइस क्या है और कैसे हमारी मदद कर सकता है इस दुनिया में जहां पे हर वक्त हमें साइबर क्राइम का खतरा रहता है। तो अब चलते हैं मेरी अनबॉक्सिंग टेबल पर। ये आपका फोन, ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद इस घंटी को या फिर बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। Fresh vets, Dasha, yo my, what up baby, yo you leave me, I see you my G. तो कंपनी ने मुझे टोटल 3 फिंग बॉक्स असाइन किए हैं, एक मेरे लिए, एक नॉर्थ अमेरिकन गिवअवे के लिए और एक इंडिया गिवअवे के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं फिंग बॉक्स के बॉक्स में हमको मिलता है फिंग बॉक्स, यूजर मैनुअल, पावर अडैप्टर, ईथरनेट या नेटवर्क केबल और कंट्री स्पेसिफिक कनेक्टर्स लाइक यूरोपियन कनेक्टर्स, इंडियन कनेक्टर्स और नॉर्थ अमेरिकन कनेक्टर्स। और अब देखते हैं इसको सेटअप कैसे करते हैं। सेटअप करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपनी पावर केबल और इथरनेट केबल को इस ब्लू केसिंग से लेकर जाएं और व्हाइट बॉक्स में कनेक्ट कर दें और अब इन्हीं केबल्स का दूसरा हिस्सा अपने राउटर में और पावर प्लग में कनेक्ट कर दें। दैट्स इट, अब ये बूट अप होगा और आपको ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देगी। इसके बाद आपको फिंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से और हमें सर्च करना पड़ेगा अपना फिंग बॉक्स। मैंने फिंग ऐप ऐसे डाउनलोड कर रखी है तो मैं जाऊंगा टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे जहां पे आपको दिखाता है ऐड फिंग बॉक्स का ऑप्शन, इसमें क्लिक करिए और ये अपने आप ही फिंग बॉक्स को सर्च करने की कोशिश करेगा। एक बार सर्च होने के बाद आपको फिंग बॉक्स दिख जाएगा और क्लिक करिए कॉन्फिगर में। तो दैट्स इट, यहां पे हो गया सेटअप और अब देखते हैं इसके यूज। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये कि इस बॉक्स का प्रैक्टिकल यूज है क्या। जैसा कि आपको पता है कि आज के जमाने में कितना आसान है ज्यादातर वाईफाई को हैक करना और किसी के डेटा को चोरी करना। अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी न्यूज आई कि कैसे नेटवर्क के ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन और यहाँ पे डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इस डिवाइस का सबसे अच्छा फीचर जो मुझको लगता है वो ये है कि जैसे ही कोई नया डिवाइस मेरे नेटवर्क में आएगा मुझे उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी ऐप में और मेरी ईमेल में और मैं लिटरली कहीं भी पूरी दुनिया से एज लॉन्ग एज मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है उस डिवाइस को ब्लॉक कर सकता हूँ। यही नहीं, जो भी नई वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है क्रैक, ये हमको उससे ही बचाता है और ज्यादातर सारे के सारे मैन इन द मिडिल अटैक से भी बचाता है। हमको मैसेज करता है कि आपके ऊपर ये अटैक हुआ है और आप अगेन कहीं से ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा नेटवर्क मैनेजमेंट टूल है। आप फिंग ऐप और फिंग बॉक्स की मदद से अपने घर के किसी भी नेटवर्क डिवाइस को ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका इंटरनेट पॉज कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा। इससे होगा ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चोरी छुपके यूट्यूब ना देखें या अपने गेमिंग पैड में इंटरनेट सर्फ ना करें तो आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा ये मदद करता है आपके घर के उन एरियाज को फाइंड करने के लिए जहां पे वाईफाई सिग्नल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये आपको डेटा देता है अपने वाईफाई को ट्रबल शूट करने के लिए भी। तो ओवरऑल मेरी नजरों में ये बॉक्स एक बहुत अच्छा टूल है अपने नेटवर्क को सेफ रखने के लिए, हैकर्स को अपने नेटवर्क से दूर रखने के लिए और अपने नेटवर्क को ढंग से मैनेज करने के लिए। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जब मैं इस फिंग बॉक्स को यूज़ कर रहा था टेस्टिंग पर्पस के लिए तो मैंने फाइंड किया कि बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर रहा है। लेकिन फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर मैं रिमोटली इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि फिंग बॉक्स कंपनी भी इसको कहीं से एक्सेस कर सकती है और क्या मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसीलिए मैंने फिंग बॉक्स को ईमेल लिखी और उनसे पूछा कि मेरा कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये है उनकी ईमेल और ये है उनके आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। उन्होंने मुझको बताया कि वो सिर्फ मेरा नाम, मेरा ईमेल एड्रेस
और मेरा नेटवर्क जहां पे मैं इस फिंगबॉक्स को कनेक्ट करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन लाइक कनेक्टेड डिवाइस और उसके मैक एड्रेस को स्टोर करते हैं, और अगर हम चाहें तो वो डेटा भी डिलीट करवा सकते हैं। और मैं इस बात से बहुत इंप्रेस हुआ कि उन्होंने मुझे इस बात का आंसर दिया, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा अगर आप फिंगबॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो हम हर जगह से सेफ है और इस बात की बहुत खुशी है मुझे। और आज की डेट में इस बॉक्स की कीमत है $129, पर आज आपके पास मौका है इस फिंगबॉक्स को फ्री में पाने का। जी हाँ, फिंगबॉक्स ने मुझे ऑफर किया है कि अगर मैं चाहूँ तो एक गिव अवे कर सकता हूँ अपने इंडियन व्यूअर्स के लिए, और मैं यही करने वाला हूँ। बहुत सिंपल रहेगा, आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपना कमेंट करिए कि अगर आपके पास फिंगबॉक्स आया तो आप क्या करेंगे और आपको इसका कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगता है। और उसके बाद ये होगा एक लाइव ड्रॉ और आप जीत जाएंगे फिंगबॉक्स, जो कि आपको शिप होगा डायरेक्ट फिंगबॉक्स कंपनी की तरफ से। और जाते जाते आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं ट्विटर में मुझे आज संदीप के लिए, जो कि आएगा संडे की मॉर्निंग को, तो प्लीज भेज दीजिए। फ्राइडे की नाइट या सैटरडे की मॉर्निंग कट ऑफ टाइम होगा उसके लिए, और उसके बाद ट्विटर से क्वेश्चंस लेके मैं संडे को आपके लिए आज संदीप का दूसरा एपिसोड लेके आऊंगा। और हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारी टीजीएस की फैमिली अब BCR पहुंचने वाली है, और जैसे हम BCR के आंकड़े को पार करेंगे मेरी तरफ से आप सबके लिए एक सरप्राइज है। खासकर सरप्राइज है जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं या जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए, और ये किसी टाइप का गिव अवे नहीं होगा, पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप सबके लिए जो कि अभी यूट्यूब में नए नए आए हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।